महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते कीमतों और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन भी किया। इस दौरान महागठबंधन विधायक महानंद सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के आते ही तेलों का दाम शतक पार कर चुका है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बहुत ही कम है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है। भाजपा की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी कहते थे कि बहुत हुआ डीजल पेट्रोल का मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार पहुंचते ही ये शतक पार कर गए हैं। पेट्रोल का दाम शतक पार कर गया, ये बहुत ही शर्मनाक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड का दाम बहुत ही कम है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ जनता जो एक तो कि लॉकडाउन से मारी हुई जनता है, किन्हीं के पास रोजगार छीन गया। और इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरवल से तबरेज अंसारी जुड़ चुके हैं। तबरेज, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला दहन भी किया गया, जिस तरीके से लगातार देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, आसमान को छू रही है, वहां पर पुतला दहन करके केंद्र सरकार का विरोध किया गया, क्या कुछ वहां से निकलकर सामने आ रहा है तबरेज? यहां से निकल रहा महागठबंधन विधायक जो है अभी महानंद सिंह है, वो जो है कि बार बार जो है कि महंगाई और गैस में जो गैस में दाम में वृद्धि हुई है वगैरह, पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, लगातार जो है कि धरना के माध्यम से विरोध कर रहे हैं, महंगाई को लेकर के बार बार जो है आवाज उठा रहे हैं, यहाँ से अभी तक यही कुछ खुलकर सामने आ रही है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तबरेज। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर अरवल में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का विरोध किया है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन भी किया है।